रही ना ताकते गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पर कहिए कि आरज़ू क्या है। मेरी जिंदगी एक मिसरा, आप चाहें तो छेद बन जाए। अगर बच्चों का इतना ही शौक है तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या सोच रहे हैं? वही जो एक प्यासा समुंदर के पास आकर सोचता है। बहुत सीधा इंसान समझी थी, लेकिन तुम तो बहुत धोखेबाज निकले। मैं एक जीता जागता जिंदा इंसान हूं, कोई अफसाना नहीं जो पढ़ के तुम खत्म कर दो। बार कहा है अपना फोन अपने साथ रखा करो, लेकिन मजाले कान पे जू भी रेंगती हो। लाला लाला लाला, अरे भाई कौन है ये लाला? फिर किसी पठान से सूद पे पैसे ले लिए होंगे। खैर मुझे क्या, हर बार कहा है अपना फोन अपने पास रखा करो। माजरत। और ये लाला कौन है? फिर से सूट पे पैसे तो नहीं ले लिए? अरे नहीं भाई, बचपन का दोस्त है, आजकल कराची आया हुआ है ना। तुम सो जाओ। हाँ हाँ सो ही रही थी, नींद खराब कर दी सारी। अरे भाई तो दोबारा सो जाओ, कौन सी शोर की जिम्मेदारी है तुम पर, या कौन से बच्चों को स्कूल भेजना है तुम्हें? हैं हैं हैं, ताना दे रहे हो? अगर बच्चों का इतना ही शौक है तो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो गुज़श्ता 10 सालों से यही कह रही हूँ, लेकिन कहाँ, एक मैं वाहिद बदनसीब औरत हूँ, कोई और दूसरी औरत आपके साथ गुजारा करेगी भी कहाँ। माफ कीजिए सबाहत बेगम, बदकिस्मत तुम नहीं मैं हूँ जो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ। अच्छा ने क्या गुनाह किया था कि सजा के तौर पर तुम मिली? अच्छा तो मैं सजा हूँ, तो आप मेरे साथ उम्र कैद की सजा पूरी कर रहे हैं? तुमसे भी ना बात करना ही फजूल है। हाँ हाँ सुबह सुबह आपसे बात करके तो जैसे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती है। सुबह सुबह मूड ही खराब कर दिया, इनके दोस्त की वजह से सारी नींद बर्बाद हो गई। Thank you.
कॉल रिसीव नहीं किया आपने, मैं सुबह से कॉल कर रही हूँ। बिजी था, कहीं जाना पड़ गया। लगता है मोबाइल पे अफसाने लिखने शुरू कर दिए। मैं कॉल करूं? अभी नहीं। बेगम का इतना खौफ? मैं किसी से नहीं डरता। अच्छा ये बताएं, कैसी लगी मैं आपको? माशाल्लाह। चश्मे पत्तू, माशाल्लाह। चश्मे पत्तू। रात में बात करता हूं। ओके स्वीटी, आई विल वेट। हमने तो जौक नजर के लिए देखा था तुम्हें, हमें क्या खबर थी कि रग रग से उतर जाओगी। साकिब अहमद। अरे भाई, हजार बार समझाया जब मैं लिखने में मसरूफ हूं तो यूं मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। तो रोज का काम है, कोई नई बात थोड़ी है। ये मेरा शौक और रोजी रोजगार भी है। क्या फायदा ऐसे रोजी रोजगार का, सच पूछो तो इन अफसानों में और नॉवल निगारी में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। अदब की कदर और कीमत तुम कभी सीख ही नहीं सकती, क्योंकि तुम हर चीज ना दौलत के तराजू में तोलती हो। साकिब मियां, दुनिया की सारी आसाइशें इसी दौलत से आती हैं। इस वक्त तुम मुझे ये बताने आई हो? जी नहीं, मैं ये बताने आई हूँ कि कल 12 तारीख है, बिजली के बिल की आखिरी तारीख, और अगर इस दफा भी बिल नहीं भरवाया तो पिछली बार की तरह बिजली वाले बिजली काट के तार लपेट के साथ ले जाएंगे। फिर तुम मुझे इल्जाम दोगे कि मैंने तुम्हें बिल भरवाना याद क्यों नहीं करवाया। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे पैदाइश से पहले ना तुम्हारी अम्मा जान ने खूब सारे करेले खाए होंगे, इसलिए हर चीज कड़वे अंदाज में पेश करती हो। जी बेहतर। और अगर यही बात मैं तुम्हारे बारे में कहूँ तो? और कुछ कहना चाहती हो? जी हाँ, सौदा लिख के देती हूँ, साथ वाली दुकान से ले आना कल। अरे इसी पर लिखूंगी मैं। भाई मैंने कुछ काम की चीज लिखी है। जिंदगी में ये सबसे ज्यादा काम की चीजें हैं। और हाँ, ये बिल भरने के बाद जब घर वापस आने लगोगे, ये आलू टमाटर लाने होंगे। आलू टमाटर खाओगे तो आलू टमाटर ही मंगवाएंगे, गोश्त की औकात नहीं रही भाई।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन नहीं आ रहा। किस बात पर? यही कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है जैसे आपकी नींदें टूट गई हो, नहीं? हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। अच्छा ये, अच्छा मुझे बताएं कि मुझे देखने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी, मैं जान सकती हूँ ना? तुम सावन जैसी, अगर किसी पर बरस गई ना तो उनकी जिंदगी में जल थल हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। बोले भी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं। क्या आपको मालूम है साकिब? मुझे कैसे मालूम हो सकता? वेरी फनी, आपको पता है कि मुझे आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उड़कर वहां आ जाऊं, मगर मुझे पता है कि आपकी एक अदद बीवी है, आप उसके शौहर हैं, सो नो एंट्री। जी बदकिस्मती से। वैसे मैं जब भी आपकी तहरीरें पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। पता है मुझे हैरत होती है समटाइम्स कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है। कांट बिलीव दैट। नो व्हाट, आई ट्रूली बिलीव वी आर सोलमेट्स। एक और बात बोलूं? दो बात कह दे। अब इंतजार नहीं होता मुझसे, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्या आपका दिल नहीं चाहता मुझसे मिलने को? नहीं नहीं, चाहता तो है। अगर चाहता है तो मिलते क्यों नहीं है? फोन पर इस तरह बातचीत का सिलसिला कब तक चलेगा? इट्स वेरी बोरिंग नाउ। आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोना बी परफेक्ट, सो हम मिल रहे हैं। अच्छा बाबा, अगर इतना जिद कर रही हो तो मिल लेते, ठीक है? खुश, कुछ और बातें करें। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि आज के लिए बहुत हो गया, अब कल बात करते हैं। नहीं क्या है? वो कुछ शॉपिंग की है मैंने। शॉपिंग? हाँ कुछ कपड़े लिए। बिल जमा करा दिया था? हाँ करा दिया था।
पता नहीं किन हवाओं में उड़ रहे हैं ये। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, वो कॉलेज से इनविटेशन आई थी ना, तो वहीं जा रहा हूँ एज अ गेस्ट। अच्छा, ऐसी जगहों पे तो तुम कुर्ता पजामा पहनकर जाते हो। नहीं तो क्या लिबास पहनने का अंदाज बदला नहीं जा सकता? इंसान को वही पहनना चाहिए जो उस पे जचता हो। तो तुम्हारे ख्याल से मैं इस लिबास में अच्छा नहीं लगूंगा? खैर, अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। नहीं नहीं, लेकिन तुम्हारा अंदाज एक गुफ्तगू तो यही बता रहा था। अरे भाई, जो जी चाहता है पहनो, मेरी बला से। जा रहे हो? हाँ। ये बाल काले कर लिए? वैसे इतने सफेद तो थे नहीं, वैसे बुरे तो नहीं लग रहे? नहीं, अच्छे लग रहे। अच्छा, फिर चलता हूँ। एक मिनट। नहीं, अब इनकी जरूरत नहीं है। वो चश्मे की जरूरत नहीं है? नहीं, वो लेंसेस लगाए। खुदा हाफिज। बाल भी रंग लिए, चश्मे की भी जरूरत नहीं, किन हवाओं में उड़ रहे हैं ये।
वाह वाह, बहुत खूब। मां आ जाऊंगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं, जरूर आऊंगी, आखिर को मेरे इकलौते भाई की शादी है। हैं? नहीं नहीं, वो नहीं आ पाएंगे, पक्का यकीन है मुझे। अच्छा ये तो बताएं अब्बा कैसे हैं, इतने दिन हो गए मेरी अब्बा से भी बात नहीं हुई। ओ अच्छा अच्छा, मेरा सलाम कहिएगा अब्बा को। हाँ अच्छा कह दूंगी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। सही कहा तुमने लाला रुख, हीरे की पहचान तो सिर्फ चोरी ही जानता है। अफसोस सबाहत बेगम, तुमने कभी कदर ही नहीं की, ना मेरी ना ही मेरे प्यार की। साकिब अहमद, साकिब अहमद, ये आलम गशी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अरे कमरे से कितनी दफा आवाजें दी मैंने। तुम तो मेरे ख्यालात की भी दुश्मन बन गई हो, सुकून वैसे मेरे मुकद्दर में ही नहीं। अब क्या बात है? आजकल मिजाज में बड़ी शिद्दत बढ़ती जा रही है, सब खैर तो है? मेरे मिजाज को छोड़ दो और ये बताओ कि कौन सा मसला है जो तुम हल करने आई? अल्लाह ना करे कोई मसला हो, इरफान की शादी है, अम्मा का फोन आया था। तो बुला रही थी, तुमने तो जाना नहीं है इसलिए मैंने मना कर दिया। हाँ भाई मेरे बहुत सारे काम है, मैं जी वो तो नजर आ रहा होता है मुझे, लेकिन मैं बता रही हूँ इस दफा मैं पूरे दो हफ्ते रुकूंगी। हाँ भाई तो हमेशा के लिए रुक जाओ ना मेरी वजह से। कुछ कहा? नहीं मैं बस यही कह रहा था कि फिर तुम चली जाओ। हाँ जाऊंगी तो सही मैं, लेकिन वो रेल की टिकट के पैसे और जो शादी में खर्चा करना है उसका कुछ बंदोबस्त कर दो। तो कितने पैसे लगेंगे? सात बहनों का इकलौता भाई है और फिर खानदान में तुम्हारी इज्जत भी तो ढकनी है। 15,000 ठीक रहेंगे ना? 25,000 कर दो, 15,000 से क्या होगा? अच्छा ठीक है, कुछ करता हूँ। लेकिन जरा जल्दी कर देना, भूल ना जाना, इसी हफ्ते जाना है मैंने। अब चाय बनाओ, पियोगे? हाँ हाँ पी लेते। लाती हूँ। महंगी कप चाय की पीनी पड़ गई। देखे बेगम जा रही है, मोहल्ले वाले नहीं। ओहो तो फिर आप एक काम करो ना, आप आगे मेरे फ्लैट में, कितना मजा आएगा, दो दीवाने मिलेंगे, खूब महफिल जमेगी। कुछ अंदाजा भी है अपनी और मेरी उम्र का? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उम्र के गैप को नहीं मानती, सोच मिलनी चाहिए, दिल मिलने चाहिए। लेकिन फिर भी हमारी स्टेटस का फासला आखिर एक तल्ख हकीकत तो है ना? तो कुछ नहीं। और सच कहूं तो मुझे भी जहरी सुकून मिलता है जब तुम्हारा ख्याल आता है। और जब मैं सामने आती हूं तब?
पता है साकिब, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है हर तरफ बाहर का मौसम, हल्की हल्की बारिश हो रही हो, फूलों की खुशबू आ रही हो। अब आप से तुम। हाँ ना, तुम अच्छा लगता है, तुमसे फासले बढ़ते हैं। लगता है बड़ी रोमांटिक कहानियाँ पढ़ती हो। नहीं, मैं कहानियाँ लिखने वालों को पढ़ती हूँ। कहाँ रखती है? आ गए? कितनी देर लगा दी, कब से तुम्हारी राह देख रही थी। मेरी या पैसों की? हाँ एक ही बात है। ये लो जी। पूरे? हाँ हाँ गिन लो। हाँ 25,000 हैं, चल जाएगा काम। जानते हैं मेरे खानदान वाले, लिखारी हो कौन सा सियासतदान हो जो लाखों लुटाओगे बीवी पर। अरे तुम्हें अपने शौहर पर फक्र होना चाहिए कि रिज़्क़ हलाल कमाता है, और ये बात कभी मत भूलना। हाँ कभी नहीं भूलती, इसीलिए तो इतने ऐशो आराम में हूँ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अरे खुदा का शुक्र करो कि रिज़्क़ हलाल है। हलाल है इसीलिए तो हिसाब देना पड़ रहा है, हराम की कमाई होती ना तो अजाब सहना पड़ता। लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग में कहाँ आने वाली है। जी जी, सारी समझ और अकल अल्लाह ने आपके लिए ही तो बनाई है। ओ, अच्छा ये बताओ चलने में कितनी देर है। मुझे तो लगता है अगर तुम्हारा बस चले ना तो रॉकेट लॉन्चर पर बिठा के मुझे डायरेक्टली लाहौर पहुंचा दो। एक बात तो बताओ, मुझे भेजने की इतनी जल्दी क्यों है, किसी ने आना है क्या? तुम्हारे जहन में ना हमेशा उल्टी बात चलती है। ऐसे ही पूछ रही थी मैं, तुम तो ऐसे चहक रहे हो जैसे दुखती रख पे हाथ रख दिया हो मैंने। तो फो, जब तैयारी मुकम्मल हो जाए बता देना, टैक्सी मंगा दूंगा। हाँ बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं नहीं कहती थी, दिल से दिल को राह होती है। क्या कह रहे हो? शायद अगर आज अल्लाह से कुछ और मांग लेते ना वो जरूर मिल जाता। क्या क्या पक रहा है? हाँ वो बस यूं ही कुछ आलू पका रहा था। आलू? I see। साकिब मैं सोच रही थी कि आज बाहर चलें खाने पे। आज? बाय, घूमेंगे फिरेंगे, मजा आएगा। लेट्स गो। अच्छा चलो मैं आ जाऊंगा। ओके सी यू। बाय। सुभान अल्लाह, किस कदर हसीन लग रही है। पूरे आबोताब के साथ चमकने वाले चांद की तरह। थैंक यू। अगर इजाजत हो तो कुछ कहूं? इससे पहले क्या मैंने कोई पाबंदी लगा दी थी कि अब आपको इजाजत की जरूरत है? कह भी दीजिए इजाजत है। इजाजत बोल। तुझको निखारना था, कुदरत ने कुछ यूं किया
पानी में चांद घोलकर चेहरा बना लिया। Beautiful. I just love your lines. मुझे तो ये लगता है कि वक्त नहीं गुजरता, वक्त तो इंसान के हाथ में ही होता है। तो फिर कैसा दो, कैसा अफसोस? इंसान को जिंदगी का हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे तो वो आपकी जिंदगी का पहला दिन हो। जो मिल रहा है उसे हासिल करो, जो नहीं मिल रहा उसको भूल जाओ, खुश रहो। मेरे लिए तो यही है सर। शायद खुशी मेरी जिंदगी का नहीं या फिर खुशी मेरा मुकद्दर। अरे मर्ज इसमें सब होता है, दैट्स फाइन। याला रो, कई लव मैरिजेस मिलाता हूँ, ये सब किस्मत का देन है। डोंट यू थिंक कि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ? आई मीन दुख वगैरह एंड एवरीथिंग, दुखों का जिंदगी में आना इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, उन दुखों से बाहर निकलना दैट्स व्हाट आई कॉल आउट ऑफ लाइफ। अरे वाह, कभी कभी बड़ी गहरी बात कह जाती। बस जनाब आपकी कुर्बत का असर है। हाय लारा रो। ओ जेनी, हाउ आर यू? आई एम गुड, तुम कैसे? मैं, ओ बाय द वे, साकिब अहमद पहचाना? नाइस मीटिंग यू। जी सेम हियर। अच्छा मेरी बात सुनो, जितनी अच्छी इनकी तहरीरें हैं ना, आई स्वेयर उससे ज्यादा अच्छे खूबसूरत दिल के मालिक हैं ये तो। चले चलो। कैसा लगा आपको घर? माशाल्लाह जबरदस्त। थैंक यू। क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं रहता? रहता है ना, आपकी याद, आपका ख्याल और मेरी तन्हाई। आप बैठे, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अरे दो मिनट तो साथ रुको, जब तुम साथ होती हो ना तो एक राहत सी महसूस होती है। और एक है मेरी बीवी, मेरे लिए वक्त ही नहीं है। अजीब बदनसीबी है। शादी का ये तरफ रिश्ता आपके लिए बदनसीबी तो है, लेकिन आई थिंक आपको अपनी बीवी का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर वो आपको तालाब में धक्का ना देती तो आप तैराक ना बन पाते। सच कहा तुमने, और इसमें कोई शक नहीं है कि
हसीन होने के साथ साथ काफी ज़हीन भी हो। अल्लाह, मैंने कभी गुरूर नहीं किया। आप बैठे, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। अंदर ढूंढ रही थी आपको, आप बाहर क्यों ठहरे हैं? वो यहाँ का मंजर बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, कॉफी मैंने अपने हाथ से बनाई है, ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म कॉफी। मैं तुम्हारे नाम भी एक शुक्रिया का खत लिखूंगा। आय हाय, काश आप उसकी जगह लव लेटर कह रहे थे, तुम ज्यादा खुश। वैसे तुमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे फिजूल शोबे का इंतखाब किया और किसी तख्लीकी शोबे का रुख नहीं किया। क्या देख रहे हैं? रही ना ताकते गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पर कहिए कि आरज़ू क्या? मेरा तो ये मानना है कि अगर आप मोहब्बत के समंदर में डूब जाएं, तो गुफ्तार की तो प्यानी तो खुद ब खुद आ जाएगी। क्या सोच रहे हैं? वही जो एक प्यासा समुंदर के पास आकर सोचता है। क्या बात है, इतना क्यों मुस्कुरा रही है? मुझे भूख लग रही थी, मैंने सोचा कि शायद नाश्ता आप बनाएंगे। आई होप कि 10 सालों में नाश्ता तो आते। हाँ जी, नाश्ता मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ और इसका क्रेडिट भी बेगम को ही जाता है। बेगम से याद आया मुझे, वो मुसलसल कॉल कर रही हैं। आप सो रहे थे तो मैंने फोन साइलेंट पे कर दिया। अच्छा, दिखाना। डर गए? 3 missed calls? नहीं जी, शेर डरा नहीं करता। हेलो, हाँ कहो। हाँ हाँ हाँ, अरे फिक्र मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? यार मैं जब भी खुश होता हूं ना, ये औरत तूफान की तरह मेरी जिंदगी में आती है और मेरी खुशी अब बहा कर ले जाती है। एनीवे, नाश्ता। अल्लाह।
वाह, कितने मजे से तुम दोनों हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। समझ नहीं आ रहा इस इश्क की दास्तान का अंजाम क्या होगा। इश्क आ तो गया और टूट के जाना। हुआ। वैसे तुमने क्या साकिब को बताया है कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? मैंने बता दिया मैं गई। What? तुम्हें बता दिया है? 45 साल का, हीरोइन है 26 साल की, हीरो शादीशुदा है, हीरोइन मंगनीशुदा है, और दोनों को इश्क का बुखार चढ़ा हुआ है। पता नहीं अंजाम होगा क्या इस लव स्टोरी का। मेरी बात सुन, लाला रुख से मिलने जा रहे हैं। ओह, तो अब मेरी जासूसी की जा रही है। बीवी हूं तुम्हारी। बीवी? अच्छा, क्या वाकई? बहुत सीधा इंसान समझी थी मैं, लेकिन तुम तो बहुत धोखेबाज निकले। क्या धोखा दिया मैंने तुम्हें? बताओ, जवाब दो। एक हमारा लड़की के साथ इश्क चला रहे हो और पूछ रहे हो कि क्या धोखा दिया। जबान को लगाम दो। लाला रुख मोहब्बत है मेरी, समझी? और मैं? मेरा कोई हक नहीं? बीवी होने का हक जता रही हो ना आज। लेकिन कभी सोचा मैं कौन हूं, तुम्हारा शोहर, मुझे क्या चाहिए? नहीं, हमेशा अपने बारे में सोचती हो। तुम एक अनापरस्त औरत हो, अक्कड़ और अना में रहने वाली औरत। याद रहे कि ये अकड़पन और जिद से मर्द से बात मनवा तो सकती हो, लेकिन उसके दिल में प्यार नहीं बढ़ा सकती। मुझे नहीं आती ये राय दिखानी। मैं जैसी हूं बस वैसी हूं। तो रहो। साकिब, साकिब अहमद। मौत का झूला
कॉफी। थैंक यू। वैसे आपकी आंखें ना बहुत ही हसीन है। जानती हैं ये मुझसे बातें करती हैं। अच्छा, क्या बातें करती हैं? बताऊं? बता दूं? तुम्हारी बीवी तुम्हें फोन कर रही है तो तुम बात क्यों नहीं कर लेते? जब कोई रिश्ता ही नहीं रखना, ताल्लुक ही नहीं रखना, तो बात करने का फायदा? ओके, नाउ फॉरगेट दिस टॉपिक। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। हाँ हाँ, नहीं, अगर खाना बनाना है तो शौक से बनाओ, लेकिन एक गुजारिश है, मतलब अगर इजाजत हो तो। बोले? वो कीमा आलू नहीं। How sweet. Mean. अब तो कीमा आलू ही बनेगा। कीमा आलू खाओगे आज? रुखयार पर यूं जुल्फें बिखर रही हैं जैसे, कभी दिन निकल रहा है कभी रात हो रही है। आप मुझे यूं बार बार तंग मत किया करें। अरे मैं तंग कहां कर रहा हूं? ये आपके शेरो शायरी मुझे समझ में नहीं आती। मैं शायरी नहीं कर रहा, बस अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं। साकिब साहब, ये सारी बातें ना अफसानों और नॉवलों में अच्छी लगती हैं, आम जिंदगी में नहीं।
कैसा मजाक है यार, अब तो आगे खोल सकता हूँ। गुजरे हुए दिन, बीती हुई तलखियां। वैसे इतनी भी ज्यादा उम्र नहीं है तुम्हारी, मेरी नजर से देखो। देख मुझे रहे हो और सोच अपनी बीवी के बारे में रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिंदगी के 10 साल अजाब जैसे थे। इन्हीं दिनों मैंने नफरत करना सीखा और तन्हा रहना और बेबसी के आलम में आंसू बहाए बगैर रोना और एक खुशगवार जिंदगी गुजारने का ढोंग किया। ऐसा भी नहीं है, और भी बहुत कुछ सीखा तुमने। नहीं, दिल में उतर जाने वाली कहानियां लिखना, उन तीखे जुमलों को तरतीब देना। और वैसे तुम्हें अंदाजा है कि पिछले 4 अफसानों में तुमने सिर्फ नफरत को तफसील से लिखा है। अरे वाह, इतनी उम्र में इतनी गहरी बात है। मैंने तो हमेशा अपने हम सफर में यही सलाहियत देखनी चाहिए। ओ, याद आया, चाय बना के लाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। मैं भूल गई, जाती हूँ। क्या देख रहे हो साकिब? तुम 10 सालों में अपनी बीवी को कभी अच्छे नहीं लगे तो फिर इतनी हसीन लड़की तुम पर क्यों मेहरबान है? आखिर इस कहानी का इख्तिताम क्या होगा? ख्वाबों की दुनिया में लाला रुख एक हसीन परी की तरह है,
जिसे एक दिन उड़ जाना है, तुम गुमान में आस लगाए बैठे हो। क्या है तुम में, क्या है तुम में, कभी सोचा है? लाला रुख, क्या वाकई मुझसे मोहब्बत करती है या फिर मेरी दर्द भरी तहरीरें पढ़कर मुझसे हमदर्दी हो गई थी और महज मुझे खुश करना चाहती थी? क्या चले, इतनी देर से सो रहे हैं आप, खाने का टाइम हो रहा है और नाश्ता कर रहे हैं। मगर इतनी जल्दी नाश्ता क्यों बना लिया? जल्दी नहीं, बहुत आराम से बनाया और वैसे खाने का वक्त हो रहा है और आप नाश्ता कर रहे हैं। ओ, खाने से मुझे याद आया, हाउ अबाउट हम लंच की बाहर करें? हाँ, हम लंच की बाहर करें। हाँ हाँ जरूर, इनफैक्ट मैं तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर लेकर जाऊं। ब्रिलियंट। तो अगर लंच पर जा रहे थे तो फिर नाश्ते की क्या जरूरत थी? अल्लाह, इतना कौन सोचता है। चले जी। क्यों कर रही हूं मैं ये सब? साकिब के बदले हुए मिजाज की कसूरवार मैं भी हूं। इन 10 सालों में कभी इसे खुशी का कोई पल नहीं दे सकी और आज जब वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है तो मैं उसकी तवज्जो हासिल करने की ख्वाहिशमंद हूं। उसे पाने की चाह भी नहीं की कभी और अब उसके खोटे होने का डर दिल का रोग बनता जा रहा है। मैं किस मोड़ पर आ गई हूं?
तो फाइनली तुमने अपनी बीवी को अल्टीमेटम दे ही दिया। अब तक तो बिचारी चली गई होगी। मेरी भला से आप, ओ मैं तो तुम्हें बताना भूल गई, डैडी आ रहे हैं। डैडी आ रहे हैं? तुम तो ऐसे घबरा गए जिससे अभी जूते उठा के भाग खड़े हो गए। बहुत चालाक हो तुम। किसी लड़की को उसके मुंह पे चालाक कहना बदतमीजी कहलाती है। एनीवेज कल शाम की फ्लाइट से आ रहे हैं और अगले दिन सुबह की फ्लाइट से जर्मनी जा रहे हैं, और मैंने उनको सब बताया हुआ है तुम्हारे बारे में। क्या बताया? उतना ही बताया जितना एक बेटी अपने बाप को बता सकती है, और he knows you। मैंने उनको तुम्हारी लिखी हुई किताबें और अफसाने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। एक बात बताऊं? वैसे मुझे कुछ कुछ अंदाजा है कि तुम्हारा क्या सवाल होगा। हाँ तो फिर अगर मैं उनको सब कुछ बता भी दूँ तो तुम क्या करोगे? देर कर दी आने में, मैं कब से इंतजार कर रही थी। किसने कहा था इंतजार करो, सो जाती जैसे हमेशा सोती हो। तुम इतना बदल जाओगे साकिब अहमद, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे इसका सबब भी तुम ही हो, शायद बहुत देर कर दी मैंने, पहले ही फैसला कर लेना चाहिए था। फैसला? कैसा फैसला? तुम्हें तलाक देने का फैसला। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों क्यों नहीं कर सकता? लाला रुख जैसी लड़कियां एतबार के काबिल नहीं होती। क्या तुमने मुझ पर कभी एतबार किया? लाला रुख और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द शादी कर लेंगे। और मैं, मेरा क्या होगा? मैं कहां जाऊंगी? तुम्हें मैं हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। होश में तो है साकिब आप? काफी वक्त लगा इस मदहोशी से निकलने में। साकिब आप ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मेरा हाथ और चली जाओ इस घर से, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। Yeah.
तीन दिनों से मैं तुम्हें मुसलसल कॉल कर रहा, तुम फोन आंसर क्यों नहीं करती? मैं बिजी थी। वाह जी वाह, इतनी बिजी की कॉल बैक भी नहीं कर सकती। अच्छा छोड़ो, तुमने अपने डैडी से बात की? ओह माय गॉड, प्लीज प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन। ओह माय गॉड, प्लीज लाला रुक। देखो समझने की कोशिश करो, मैं अपनी कश्तियां जला कर आया हूं, अब तुम्हारी बारी है। मतलब? क्या मतलब साफ नहीं, मतलब ये कि अपने डैडी से बात करो, उन्हें समझाओ कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। What? मेरी जज्बात को हंसी में मत उड़ाओ लाला रुख, मैं संजीदा हूं। मगर मैं नहीं, I'm sorry। दिल लगी कर रही थी, है ना? देखो साकिब, मैं कुछ कहना चाहती हूं। तुम किसी से कुछ भी नहीं कह सकती। जैसे ड्रामे का अदाकार अपनी मर्जी से कोई डायलॉग नहीं बोल सकता ना, बिल्कुल इसी तरह तुम अपनी जुर्रत, अपनी बेखौफी के बावजूद अपनी ही बनाई सरहद कभी पार कर ही नहीं सकती। ठीक कह रहा हूं लाला रुख, मुझे अंदाजा हो गया है। अरे इससे तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ हो जाएगी ना। अगर बात फैली तो ऑस्ट्रेलिया से डिग्री हासिल करने वाला वो नौजवान तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा जिसके साथ तुम अपनी कामयाबी का सफर तय करना चाहती हो, बिजनेस को फरोग देना चाहती हो, समाजी तकरीबात में मुस्कुराते हुए तुम तस्वीरें बनाना चाहती हो ना उसके साथ। लेकिन लेकिन लाला रुख, अभी देर नहीं। अपने साथ जुड़े हुए सारे रिश्तों से बगावत करके मेरी उठ जाओ, सिर्फ मेरी, हमेशा हमेशा के लिए। Oh my God, Saqib, I can't. लाला रुख, लाला रुख, मेरी बात तो सुनो। तुम गलत समझ रहे हो साकिब, ऐसा कुछ था नहीं जो तुम सोच रहे हो। तो तुम्हारे साथ इतना वक्त गुजारने के बाद और मुझे क्या सोचना चाहिए? हम सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त? साकिब, अगर मैंने तुम्हारे गमगीन लम्हों को खुशी में बदल दिया तो क्या गलत किया मैंने तुम्हारे साथ? तो क्या खुशी के लम्हात तुमने मुझे इनायत किए? लाला रुख, बहुत खूब, मुझे पहचानो लाला रुख, मैं बचपन का वो खिलौना हूं जिसे तुम सीने से लगा के सोया करती थी, वो लिबास हूं जिसे तुमने खरीदा तो बड़े शौक से लेकिन महज 6 महीने में किसी कोने में रख के भूल गई, जिंदगी का वो एडवेंचर हूं जो जवानी में हम सब ने किया लेकिन फिर बोर होके किसी कब्रिस्तान में दफना दिया। Don't say that. सब कुछ इस तरह खत्म मत करो। खुशियों के उन दिनों में तुम्हारा क्या बिगाड़ है? उसको एक तलख याद क्यों बनाना चाहते हो तुम? ताकि ये खेल तुम्हारी मर्जी से खत्म हो, यही चाहती हो ना तुम? ताकि हंसी खुशी तुम अपने रास्ते पर चली जाओ और एक गुजरे हुए ताल्लुक को कभी कभार याद करो, मुस्कुराओ और सर झटक कर भूल जाओ, बस एक सुनहरी याद। लेकिन इतना याद रखना लाला रुख, मैं एक जीता जागता जिंदा इंसान हूं, कोई अफसाना नहीं जो पढ़ के तुम खत्म कर दो। शाम की चौखट मल के बैठे हैं, जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। साकिब, ऐसा कुछ था नहीं जो तुम सोच रहे हो। तो तुम्हारे साथ इतना वक्त गुजारने के बाद और मुझे क्या सोचना चाहिए? हम सिर्फ दोस्त हैं।
छोड़ो मेरा हाथ और चली जाओ इस घर से। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। अभी तक गई नहीं? लेटे रहो, बिल्कुल हिलने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने मना किया ज्यादा बात करने से। बीपी शूट कर गया था तुम्हारा। बेहतर होता कि मैं मरी जाता। खुदा ना करे, क्या बातें कर रहे हैं? सबाहत मुझे तनहा छोड़ दो। जाओ, चली जाओ, जाकर अपनी जिंदगी जियो। कोई अपने साये से जुदा होकर भी जी पाया है कभी? क्या ये तुम्हारा चुमला है? इतना खूबसूरत फिक्रा भी बोल सकती हो? ये मेरे दिल की आवाज है। तो फिर हमेशा मुझे कटी जली क्यों सुनाती रही? इसलिए कि मैं डरती थी आपकी काबिलियत से, अपने एहसास महरूमी को अपने लहजे की तलखी के पीछे छुपा लिया करती थी। नहीं सबाहत, शायद तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं, इसीलिए जुबान से इजहार नहीं कर पाए। नहीं साकिब अहमद, मोहब्बत की है मैंने आपसे, बहुत शिद्दत से मोहब्बत की है। हाँ, शायद इजहार नहीं कर पाई जैसे आप चाहते थे, या शायद जैसे लाला रुख करती होगी। और हाँ, आज से ये लॉकेट मत पहना करो। आर्टिफिशियल चीजों से नफरत है मुझे। अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। अरे तुम्हारे साथ बैठकर चाय पी मुद्दत हो गई है। हाथ छोड़ोगे तो चाय बनेगी ना? रहने दो, बस कुछ देर इसी तरह बैठी रहो।